दहेज रोगियों की भेंट चढ़ी, विवाहिता की खुशियां, दहेज की मांग पूरी न होने के चलते घर से निकाला, दर दर भटकने को मजबूर हुई विवाहिता। प्रतापगढ़ के जेठरवारा थाना क्षेत्र के आशापुर गांव के गौरव शर्मा पुत्र राम प्रताप शर्मा से ओम प्रकाश श्रीवास निवासी फतुहाबाद जापुर थाना महेशगंज की पुत्री का विवाह दिनांक 30 नवंबर 2019 को हिंदू रीति रिवाज के साथ संपन्न हुआ था। विवाह के करीब एक वर्ष बाद दोनों को एक संतान की प्राप्ति हुई, जिसकी जन्म के समय ही मृत्यु हो गई। इस घटनाक्रम के बाद लड़की के ससुराल पक्ष के लोग लड़की पर तरह तरह के आरोप लगाकर प्रताड़ित करने लगे और लड़की को जबरन उसके पिता के घर छोड़ आए। पिता के घर से करीब एक माह बाद जब लड़की ससुराल में रहने के लिए आई तो उसको घर में घुसने से मना कर दिया गया और लड़की का पति गौरव शर्मा तथा ससुराल के अन्य लोगों ने लड़की को घर से धक्का देकर भगा दिया और कहा कि अब हमारा तुम्हारा कोई संबंध नहीं है, जिसके चलते लड़की के पिता द्वारा जेठरवारा थाना में लिखित शिकायत दर्ज करवाई गई। थाने पर दोनों पक्षों को मामला समझने को लेकर बुलाया गया तो वहां भी गौरव शर्मा अपनी बात पर अड़ा रहा। लड़की के पिता ओम प्रकाश ने बताया कि बीते कुछ दिनों से लड़का पक्ष वाले उनसे दहेज में एक चार चक्का गाड़ी, कूलर, वॉशिंग मशीन, फ्रिज के साथ साथ नगद रुपए की भी मांग कर रहे हैं, जिसको पूरा करने में वो पूरी तरह समर्थ है। प्रतापगढ़ एक्सप्रेस से शिव शंकर त्रिपाठी की रिपोर्ट। जी नाम बताइए अपना। ओम प्रकाश श्रीवास। कहाँ के रहने वाले हैं? फतुहाबाद महेशगंज। जी क्या मामला है आपका? सर हमने जो है 2 साल पहले जो है शादी किया बिटिया की, और उसको आए दिन जो है परेशान करते हैं, और आज जब हम उसको उसके घर छोड़ने आए, उनके घर वालों ने उसको घर में घुसने से रोक दिया, और फिर जो है पुलिस को खुद फ़ोन करा कर बुलाए जो है 100 नंबर, और 100 नंबर वालों ने उनको कहा कि जो है इसको रहने दीजिए, तो उन्होंने कहा कि किसी भी हालत में हम कमरा नहीं खोलेंगे, और फिर पुलिस वालों ने जो है मजबूर होकर कहा आप जो है थाने आइए। जब थाने गए तो थाने में हमने जो है कंप्लेन किया है और कंप्लेन की कापी ले लिए हैं, सुबह के लिए बोले हैं सुबह आप आइए, आप IR करके आपको नकल दिया जाएगा। ये कितने दिन हुआ आपकी लड़की की शादी को हुए? सर जो है 30 नवंबर 2019 में हमने शादी किया था, शादी का कार्ड भी उसमें लगा है। और कितने दिन से इनको ये समस्या हो रही है, लोग घर में रखने से मना कर रहे हैं? सर इसको जो है डिलीवरी थी, उसकी ज़बरदस्ती डिलीवरी कराई गई, और एक सरकारी अस्पताल में जहाँ के ना ICU की सुविधा थी ना जो है ऑपरेशन की सुविधा थी जी, और बच्चा जब दिखाई दिया तब हमको फ़ोन किए और हम लोग पहुँचने में 2 घंटे लग गए, इसलिए घर दूर है और देहला मऊ प्रतापगढ़ में CSC पर कराए थे। जब वहाँ पहुँचे तो हमने पूछा जो है तो उन लोगों ने बताया कि भैया बच्चे का सर दिखाई दे रहा है, और फिर डॉक्टर से पूछा, उन्होंने कहा भाई हम यहाँ कर नहीं पाएंगे, लेकिन उन लोगों ने ज़बरदस्ती कहा यहीं करवाइए, जो है हम यहीं करवाएंगे, कहीं नहीं ले जाएंगे, और फिर ज़बरदस्ती करके बच्चे को पैदा किया गया और बच्चा जो है। ससुराल पक्ष वाले इनको घर में ना रखने का कारण क्या बता रहे हैं कि हम इनको क्यों नहीं रखना चाहते? सर वो कहते हैं जो है कि लड़की अपने आप कहीं फांसी लगा लेती है, कहीं जो है चारित्रिक जो है वो लगाते हैं, लेकिन कोई स्पष्ट प्रमाण उनके पास नहीं है, केवल ये कह करके कि हम नहीं रखेंगे जी। दहेज भी जो है हमसे भरपूर ले लिए हैं, और सारा जो है सामान भी रख लिए हैं, उसका गहना भी छीन लिए हैं। क्या दहेज के लिए इनको प्रताड़ित किया जाता है? हाँ सर, दहेज के लिए भी प्रताड़ित किया गया, जो है मुझसे 4-व्हीलर मांगा जा रहा है, और कूलर मांगा जा रहा है, और मशीन जो है वॉशिंग मशीन मांगी जा रही है, और हम देने में अक्षम हैं, इसलिए कि हम जो है प्राइवेट वैसे काम करते हैं सर जो है मजदूरी, इसलिए जो है हम दे नहीं सकते हैं, और इसके कारण हमारी बिटिया को रख नहीं पा रहे हैं। ठीक ठीक धन्यवाद। नाम बताइए अपना। ललिता देवी। गांव का नाम? आशापुर जेठवारा। थाना? जेठवारा। क्या मामला है आपका? सर हमारा पति घर पर जाने के बाद घर में घुसने नहीं दिया और हमें रखना नहीं चाहता। कितने दिन हुआ आपकी शादी को? सर 1.5 साल भी नहीं हुए हैं। क्या नाम है आपके पति का? गौरव शर्मा। कोई मारपीट की या सिर्फ घर में घुसने से मना किया? सर अभी तो कोई मारपीट नहीं की, पर इसके पहले 1.5 महीने पहले जब घर पर थे तो मारपीट किया था। अच्छा, तो आपने गाली गलौज दिए थे? जी। पति ही मारता है कि घर में कोई अन्य लोग भी मारते हैं? सर उनकी मम्मी हैं और सभी लोग मतलब बोलते हैं घर छोड़ कर चले जाओ, पापा बहन दोनों सिस्टर बहन सब। जी जी जी, ये लोग कोई भी आपको घर में रखना नहीं चाहते? जी हाँ। आपने थाने पर शिकायत की? जी। क्या हुआ वहाँ से? सर वहाँ भी कोई भी विभाग से कोई भी नोटिस नहीं आई है, हम कर रहे हैं पर नहीं आ रही है। कब सूचना दी आपने थाने पर? आज 5 जुलाई 2020। क्या बोले थाने वाले? थाने वाले बोले कि मुकदमा कर।
ठीक।